एजीएम जो है, मैं आपको बता दूं भाई, एजीएम बुलाया जाता है ये चार मैटर डिस्कस करने के लिए। और भी मैटर डिस्कस कर सकते हो, बट ये चार मैटर जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिस्कस होगा? एजीएम में डिस्कस होगा। एजीएम बुलाया जाता है अड्डा लगाने के लिए। एजीएम बुलाया जाता है अड्डा लगाने के लिए। क्या बोल रहे हो मैम, एजीएम में हम लोग अड्डा लगाते हैं? अरे नहीं बाबा नहीं, अड्डा का अलग ही फुल फॉर्म है। ए स्टैंड्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, डी स्टैंड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सेकेंड डी स्टैंड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द रिटायरिंग वन, एंड द लास्ट डे स्टैंड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ द रेमुनरेशन। ठीक है, तो एजीएम बुलाया जाता है क्या करने के लिए बताओ? अड्डा लगाने के लिए। एजीएम बुलाया जाता है क्या करने के लिए बताओ? अड्डा लगाने के लिए। क्लियर? अब अड्डा का फुल फॉर्म बताओ, क्या बोला मैंने? पहला वाला ए, फिर उसके बाद डी, फिर डी, फिर ए। जल्दी जल्दी बताओ, पहला वाला ए मैंने क्या बोला, क्या होता है? सुनो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो, एजीएम बुला रहे हो क्यों? एक बात बताओ, एजीएम कब बुलाया जाएगा? एजीएम कब बुलाया जाएगा? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। तो फाइनेंशियल ईयर में पीएल, बैलेंस शीट वगैरह जो भी तुमने प्रिपेयर किया है वो अपने शेयर होल्डर्स को दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? तो एनुअल अकाउंट का चर्चा करने के लिए कि डायरेक्टर लोगों ने क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, अपने शेयर होल्डर को दिखाओगे ना क्या बनाया है? सो दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। ए को क्या बोलते बताओ? कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। मालिक लोग को बताओगे नहीं क्या 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 काम किया है आपने? कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, ठीक है। और इसके अलावा कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स के अलावा डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी है। अभी ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ये सब का मीनिंग आपको समझ में आएगा जब आप पूरे लॉ के रेगुलर बैच में डुबकी लगाओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑडिटर्स रिपोर्ट, हर कंपनी का आपको पता है ना स्टैटटरी ऑडिट होता है, जो कि कौन करता है? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, आप करोगे, यस माय फ्यूचर सीएस। तो ऑडिटर क्या देता है? ऑडिट रिपोर्ट देता है। तो उसका भी चर्चा कहां पे होता है, उसका डिस्कशन कहां होता है? एजीएम में होता है, जहां हम लोग अड्डा लगाते हैं। तो ए स्टैंड्स फॉर क्या? कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट। नेक्स्ट डी का मतलब क्या? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्लियर? डिविडेंड आपको पता है रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट डी क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ द रिटायरिंग वन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। आज मैंने बोला ना, ये सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, एरर है, दैट इज वाई राइटिंग जो है स्मूथली नहीं चल रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ द रिटायरिंग वन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, ठीक है। और लास्ट वाला एक क्या, जल्दी से बता दो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। मैम ऑडिटर को भी शेयर होल्डर लोग ही अपॉइंट करते हैं क्या, और नहीं तो क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेमुनरेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेमुनरेशन, ठीक है। बोलो, आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट? थोड़ा राइटिंग में आज ग्लिचेस है बिकॉज द जोडो सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, मैंने आपको दिखाया था हैंड राइटिंग कैसा है, एकदम स्मूथ है मेरा। एक बार देखना चाहोगे कैसा है, दिखा देते हैं। देखो ऐसा रहेगा, देखो एकदम क्लियर रहेगा। ये तो अभी कुछ प्रॉब्लम है जोडो में, इसलिए राइटिंग ठीक से चल नहीं रहा है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हो ऑलरेडी जानते होंगे। क्लियर है कि यहाँ तक? जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो जल्दी से बता दो, मैंने क्या बोला? एनुअल जनरल मीटिंग में ये चार मैटर तो डिस्कस होता ही है, इसके अलावा कुछ और डिस्कस करना है तो हो सकता है। और एक चीज मैं बता दूं, एजीएम में ये जो आप अड्डा लगाते हो ना, ये अड्डा का और एक नाम है। इस अड्डा को हम ऑर्डिनरी बिजनेस भी बोलते हैं, और अड्डा को छोड़कर कोई भी बिजनेस मैटर आप ट्रांजैक्ट करोगे तो दैट इज कॉल्ड ए स्पेशल बिजनेस। तो दो प्रकार के बिजनेस मैटर होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। ये जो अड्डा बोला, इसी को हम लोग ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। इसको छोड़ के कोई भी मैटर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, मैनेजिंग डायरेक्टर का रेमुनरेशन बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, क्या इसके अंदर फॉल कर रहा है अड्डा के अंदर? नहीं, तो क्या हो गया? स्पेशल बिजनेस। कोई भी एक्स एंड वाई जेड मैटर हुआ, ठीक है, कंपनी को बायबैक करना है कि नहीं, कंपनी को फर्दर इशू करना है कि नहीं शेयर्स का, कंपनी को नया डायरेक्टर रखना है कि नहीं रखना है, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है कि नहीं करना है, तो ये सारे के सारे मैटर्स क्या हो गए? स्पेशल बिजनेस। अड्डा को छोड़कर कोई भी मैटर किसके अंदर आएगा? स्पेशल बिजनेस के अंदर आएगा। आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट?